हमेशा बहुत से लोग यही कहते रहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। अब मैं उन लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना मुश्किल है और नामुमकिन है, तो फिर आसान क्या है, मुमकिन क्या है? जो आसान है और मुमकिन है फिर वो क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, सीख कर तो हवाई जहाज तक उड़ा सकते हो, और बिना सीखे एक साइकिल तक नहीं चला पाओगे। अब उसी नज़रिए से आपको इस ट्रेडिंग को देखना है। अगर इस ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख और समझ लिया तो जाहिर सी बात है पैसा बना पाओगे, और अगर नहीं सीख और समझ पाए तो इस मार्केट से पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, एक रुपया तक नहीं छाप पाओगे, कंगाल हो जाओगे इस मार्केट से। ठीक है, मेरी इस बात को हमेशा गांठ बांध कर चलना। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई है तो बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखो, अगर मेरी एडवाइस लेना चाहते हो सोमवार के लिए तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। वह एडवाइस ये है कि एक तो बैंक निफ्टी, ठीक है, और एक हमारा बैंकेक्स, और एक यहाँ पर हमारा है फाइनेंस निफ्टी। इन तीनों इंडेक्स के अंदर, ठीक है, आप मार्केट के अंदर, ठीक है, इन तीनों इंडेक्स के अंदर और मार्केट के अंदर सोमवार के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इन तीनों इंडेक्स में। अब उसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। देखो, जो ऑप्शंस बायर होता है ना, वो कब पैसे बनाता है? जब मार्केट के अंदर बड़े बड़े कैंडल्स क्रिएट होते हैं, बड़े मूवमेंट्स मिलते हैं। बाकी जो छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं ना, वह सेलर के फेवर में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस बायर यहाँ पर पैसा नहीं बना सकता। ये जो लास्ट वीक अभी गया है, आप इस लास्ट वीक में इन कैंडल्स को देखिए, ठीक है, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी याद है क्या हुआ था? पूरे दिन 10 बजे से लेकर मार्केट ने 3:15 तक मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर कंसोलिडेशंस के फेस में आया था। कंसोलिडेशंस करता रहा मार्केट पूरे दिन, कहीं नहीं गया, कोई बड़ा मूवमेंट आया ही नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कंसोलिडेशंस में ऑप्शन बायर बनकर पैसा बना लेंगे? ठीक है, अब ये मेरी एडवाइस थी। अब मेरी एडवाइस ये भी है कि आप और भी इंडेक्स पकड़ सकते हैं, निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, आपको अगर 10-20% का प्रॉफिट चाहिए तो वहाँ से बहुत इजीली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करें कि डेटा क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले डेटा पर चलते हैं। यहाँ पर हम FI के, तो FI का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर FI ने कैश मार्केट में 4021 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। FI पॉजिटिव है। अगर मंडे के दिन मार्केट नीचे भी गिरता है तो कहीं ना कहीं थोड़े लेवल पर मार्केट को FI ज़रूर संभालेंगे, मार्केट में एक रिकवरी मूवमेंट जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है DI की तरफ से। ये DI का मार्केट देखो, इस ऑपरेटर ने, इस इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की है 1651 करोड़ रुपए की। ये इंडियन इन्वेस्टर है, अगर इनको मालूम है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहे हैं? और FI ने यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, ठीक है, ये भी थोड़ा समझ से बाहर है। एक सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है, आप लोग जानते ही हो, बजट का, ठीक है, और अभी जो न्यूज़ आई है, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ पर भी इसका इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला है। तो डेटा तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करके दे रहा है। तो अभी डेटा को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीक सारा का सारा डेटा रखा रह गया। बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर FI का डेटा तो निगेटिव है, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? सर FI का डेटा तो पॉजिटिव है, मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? ठीक है, सीधी सी बात थी ना, मार्केट कंसोलिडेशन फेस में था, कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट में क्या होगा। अब लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या बोल रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हो कि मंडे के दिन हमें मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। कहां पर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूं। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, वह क्लोजिंग दी है हमें यहाँ पर 24,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, 500 के ऊपर ही देखने के लिए मिल गई है। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पर अभी जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 24,603 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो हमें जो गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, वह 24,502 के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि 24,550 तक मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाए, या 24,000, ठीक है, 600 के आसपास तक हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाए। ये दो लेवल हैं, इन दोनों लेवल्स के बीच में हमें कहीं भी एक गैप अप ओपनिंग मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, 24,622, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस लेवल को ज़रूर पकड़ के चलो, 24,622 काफ़ी अच्छा बड़ा लेवल है, ठीक है, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से सेलिंग कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हो सकती है,
ठीक है, एक बार सेल साइड के लिए यहां से सोचा जा सकता है। कहां तक सोचा जा सकता है? 24,550 फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो 24,500, ठीक है, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा। और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो फिर मार्केट के अंदर टारगेट ओपन हो जाएंगे 24,400, ठीक है, 50, ठीक है, ये हमारे लिए टारगेट ओपन होगा। और फिर जो स्ट्रांग सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट वे आता है 24,414, ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से एक बाइंग जोन कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि FII का भी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, इस लेवल से कहीं ना कहीं एक रिकवरी आ सकती है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट ना ट्रेंड पर वर्क करता है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो आप अगर सपोर्ट पर खरीदारी करोगे डाउन ट्रेंड में, तो जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड के अंदर हमें इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ट्रेंड को भी फॉलो करना है कि मार्केट किस तरीके के पैटर्न बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है, या लोअर लो बना रहा है। उसी तरीके से आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक व्यू भी लेकर चलना है। इसके बाद अगर 24,414 का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आता है वह आता है 24,304। जब तक मार्केट 24,304 के ऊपर है, ठीक है, किसी का बाप निफ्टी को नहीं गिरा सकता अभी, जब तक इसके ऊपर है। इस लेवल को मार्क कर लो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट के अंदर तुम्हें एक बाइंग ऑप्शन ज़रूर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ वैल्यू तुम्हें एक पैसा बनाकर दे सकता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये थे निफ्टी के कुछ लेवल्स, लेकिन एक लेवल्स में यहाँ पर और मार्क करके दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंट हमें तेज़ी के साथ देखने के लिए मिल रहा है। वैसे तो अभी मार्केट में इससे ऊपर कोई बड़ा मोमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, 24,622 से अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट यहाँ पर 24,720 ये लास्ट रेजिस्टेंस होगा मार्केट के अंदर, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तुम्हें ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। ये काफ़ी अच्छा और बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर। निफ्टी समझ में आया, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमारे सामने कौन से लेवल्स हैं, ठीक है। देखो, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है बिल्कुल सेफ ट्रेड, तो सेफ ट्रेड करने के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आपने इस जोन को कहीं ना कहीं, ठीक है, मार्क करके चलना है। मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स निकाले हैं। बाइंग ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होगी, क्लोजिंग जो मिली है बैंक निफ्टी की 52,278 के आसपास मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 52,531, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लो, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, 15 मिनट के लेवल पर सस्टेन नहीं होता है, ठीक है, तब तक बाइंग ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अभी तो मार्केट इसी के नीचे है, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस बना ले और नीचे आ जाए, लेकिन अगर बड़े लेवल पर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाती है तब ये लेवल काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। कौन सा? 52,531 ये सपोर्ट बनेगा। टारगेट होगा पहला कौन सा हमारे पास? 52,789 यानी कि 790 के आसपास का हमारे पास पहला टारगेट बनेगा। इस लेवल का भी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ से कॉल ऑप्शंस के बारे में सोचा जा सकता है। फिर कहाँ तक जाएगा मार्केट? फिर जाएगा मार्केट 53,000, ठीक है, यहाँ पर मार्केट 53,000 तक जाएगा। वो एक जीरो ज़्यादा लग गया था, आप अवॉइड कर देना उसको। तो यहाँ पर 53,000 का एक मार्केट हमें दिखाई दे रहा है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 52,140, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से बाइंग ऑप्शंस के बारे में सोचा जा सकता है। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वह आता है 51,881। ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं और दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, और इसके बाद 53,000 मैंने आप लोगों को बताई दिया है, ठीक है। ये 53,000 तक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें टारगेट ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी, बैंकेक्स और फिन निफ्टी, हो सके तो इन इंडेक्स के अंदर मंडे के दिन आप ट्रेड को अवॉइड करोगे, जब तक कोई भी बड़े लेवल पर आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।